आईबी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सुबह में रोजाना कहीं ना कहीं स्कूली वाहनों के हो रहे सड़क हादसों से सकेते में आए परिवहन विभाग ने अब इन पर लगाम लगाने की पहल शुरू कर दी है। इसी के चलते वो सारे स्कूली वाहनों चेकिंग कर उनके ड्राइवरों के लाइसेंस, गाड़ियों के फिटनेस और सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों की जांच की जा रही है और कमी मिलने पर गाड़ियों का चलान उनसे परिवहन नियमों के पालन का निर्देश दिए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय में आज CRTO ने स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें स्कूली वाहनों में बच्चों की क्षमता से अधिक बैठने वाले वाहनों पर कार्यवाही करते हुए गाड़ियों के फिटनेस बीमा चेक किए। इस दौरान 17 स्कूली वाहनों का चलान किया गया। अभियान चलाया जा रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है विभाग? हम लोग वही देख रहे हैं कि इसमें फिटनेस, इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सिस्टम और ड्राइवर के लाइसेंस वगैरह उसमें हैं, प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं है, और उनकी सुरक्षा के लिए और क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं, इन चीज़ों की जाँच कर रहे हैं। अभी तक कितनी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई? लगभग 17 गाड़ियों के खिलाफ हम लोगों ने भी जाँच की है और कुछ के चालान किए हैं और कुछ ठीक भी है, वो चेक कर रहे हैं। क्या अभियान ये लगातार जारी रहेगा जिले में? बिल्कुल, अभी इस महीने हम लोग लगातार अभी स्कूल बसों की चेकिंग के लिए टारगेट किए हुए हैं।